नोएडा एक्सप्रेस वे पर रविवार सुबह दो भीषण सड़क हादसे हुए हैं। पहला ओवरटेक करने के दौरान घटा, जिसमें एक बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। हादसे में सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि दूसरा हादसा उस वक्त घटा जब बुलंदशहर से दिल्ली जा रही कार पलट गई। दरअसल कार पलटने की वजह से जो हादसा घटा, उसमें सवार लोग बेटे की कनाडा फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। इस दौरान क्रैश बीम बैरियर से टकराकर पलट गई और कार के पर खच्चे उड़ गए। इस हादसे में परिवार के 4 लोग घायल हो गए। हादसे में घायलों को अस्पताल भेजा गया। ये घटना एक्सप्रेस वे थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पहले हादसे में बसों के पर खच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक एक कर लोगों को रेस्क्यू किया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह करीब 5 बजे एक बस मध्य प्रदेश के शिवपुरी से दिल्ली जा रही थी और दूसरी बस प्रतापगढ़ से आनंद विहार जा रही थी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 157 के पास ओवरटेक करने में प्रतापगढ़ वाली बस ने एमपी वाली बस में टक्कर मार दी। एसोसिएट एडिटर ताहिर सेफी की रिपोर्ट।